दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने 5 लश्कर ए तैयबा आतंकवादियों के मददगारों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियारों को बरामद किया गया है। ये लोग सीमा पार से आने वाले हथियारों को आगे सप्लाई करने का काम करते थे। साथ ही सीमा पार के हैंडलरों के टच में थे और उनके इशारे पर हथियारों को आतंकियों तक पहुंचाने का काम करते थे। पुलिस का कहना कि पूछताछ जारी है, उसके बाद और बातों का पता चलेगा। दोस्तों, जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि कुपवाड़ा जिले के करनाह इलाके में सीमा पार से हथियार आते हैं, इसके बाद आगे उन्हें आतंकियों तक पहुंचाया जाता है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की तरफ से जांच शुरू कर दी गई। जांच के दौरान सुराग लगा। दोस्तों, इसके बाद सेना और अन्य एजेंसियों की टीम को लेकर शनिवार को कार्रवाई की गई। इस दौरान एक आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, आपको बताते चले कि उसकी पहचान जहूर अहमद बट निवासी करना के रूप में हुई है। उसका घर एलओसी के पास स्थित है। दोस्तों, उसके पास से एक एके राइफल, मैगजीन, राउंड, पिस्टल और अन्य सामान बरामद हुए हैं। दोस्तों, पुलिस को पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह सीमा पार के पाक हैंडलर मंजूर अहमद शेख और काजी मोहम्मद के टच में है। उसने बताया कि दोनों करना के ही रहने वाले हैं, लेकिन इन दिनों सीमा पार रहते हैं। वह लश्कर आतंकी संगठन के हैंडलर हैं। दोस्तों, उसने आगे बताया कि वह सीमा पार से हथियारों को भेजते हैं और आगे वह उन्हें आतंकियों के मददगारों तक पहुंचाने का काम करता है। दोस्तों, इस सूचना के बाद जहूर अहमद ने 4 और नाम बताए जिन्हें वह आगे हथियारों की सप्लाई देता था। सुरक्षा बलों ने छापे मारकर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से भी हथियारों को बरामद किया गया है। दोस्तों, इन आतंकियों की पहचान खुर्शीद अहमद राठर, मुदस्सर शफी, गुलाम सरवर राठर और कांजी फजल के रूप में हुई है। दोस्तों, पूछताछ के दौरान पता चला है कि ये सारे लोग सीमा पार के हैंडलरों के संपर्क में थे। उन्हें इसके लिए पैसे मिलते थे। उनका काम सीमा के पास से हथियारों को उठाकर आगे आतंकियों तक पहुंचाने का था। इस प्रकार से सीमा पार से हथियारों की सप्लाई कश्मीर में सक्रिय आतंकियों तक की जा रही थी।